सो हे गाइस वेलकम बैक टू यार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन डेट एस्क एंड कैच इन गैलारियन के बारे में। तो यार बहुत ही ज़्यादा यूनिक टॉपिक होने वाला है एंड यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार इसमें मुझसे दो पोकेमॉन कंफर्म भी हो चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को एक लाइक कर दो अगर आप चाहते हो ऐसे ये सब पोकेमॉन को पकड़े। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस मैंने ये लिस्ट लीक्स को देख के बनाई है, किस पोकेमॉन के ऊपर कितनी ज़्यादा लीक्स आई है उसको देखते हुए। एंड यार इसको मैंने रैंक नहीं किया है, मतलब फर्स्ट सेकंड ऐसा नहीं कहो कि यार फर्स्ट जो नंबर पे पोकेमॉन है उसके चांसेस ज़्यादा है, बस यार मैं ऐसे ही रैंडमली कोई भी नंबर पे कुछ किसको भी ला सकता हूँ। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट। सो गाइस फर्स्ट जो पोकेमॉन जो एस पकड़ सकता है वो है ग्रूकी। ग्रूकी एक बहुत ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है एंड यार एक स्टार्टर पोकेमॉन है जो कि हमें गैलारियन में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एंड यार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लीक्स निकल के आ रही है। पर्टिकुलर वीडियो देखना है तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे ही पोकेमॉन के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है क्योंकि यार आप अच्छे से समझ पाओ। तो यार इसके ऊपर भी बहुत लीक्स आ रही है एंड यार मतलब एस कोई ना कोई तो स्टार्टर पकड़ता ही हर रीजन में, तो यार इस रीजन में भी पकड़ने वाला है एंड ग्रूकी के चांसेस बहुत ज़्यादा होने वाले, मतलब 100% ग्रूकी कन्फर्म ही है। तो यार नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ बढ़ते हैं अभी। एंड यार अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो देखनी है तो यार जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। सो गाइस जो नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है मचैम। मचैम की 50% चांसेस होने वाली कि ऐश पकड़े एंड यार 50% चांसेस होने वाले कि गो पकड़े। तो यार इसके ऊपर दो थ्योरी है, तो दो थ्योरी पे एक थ्योरी तो ऐश की तरफ जाती है और दूसरी थ्योरी गो की तरफ जाती है। एंड सेकंड वाली थ्योरी ने हमें गेम में ही एक हिंट दिया गया है, लिख दिया गया है। सो फर्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, जैसे कि चार इलाइट फोर मेंबर है जो कि है लेंस, अगाथा, लॉलरे एंड ब्रूनो। तो यार चारों का वो पोकेमॉन पकड़ने वाला है, तीन का तो उसने पकड़ लिया है, बस यार ब्रूनो का मचैम बाकी है। तो यार ये थ्योरी फर्स्ट थ्योरी है जो कि एस की तरफ जाती है। एंड यार सेकंड थ्योरी जो है, जैसे ही हम पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का गेम ओपन करते हैं तो हम एक कमरे में जाते हैं, वहाँ पे हमें एक पोस्टर लगा रहता है जिसमें तीन पोकेमॉन दिखाए जाते हैं जो कि रहते हैं गेंगार, मचैम्प एंड चार्जार्ड। चार्जार्ड होगा लियोन का जाजेंटा मैक्स एंड यार एश ने पकड़ लिया है गेंगार, तो गेंगार होगा एश का जाजेंटा मैक्स एंड यार बीच में बचा है मचैम्प। तो यार यहाँ पे कोई भी गो का पोकेमॉन नहीं है, तो यार हमें लगता है कि यार मचैम गो के पास जाने वाला है क्योंकि यार गो भी उसको जेजेंडा मैक्स कर सकते हैं, क्योंकि तीनों पोकेमॉन हैं वो जेजेंडा मैक्स हो सकते हैं। तो ये बात तो गो की तरफ जाती है। तो यार यही तक मचैम के बारे में। तो यार बढ़ते हैं अगले पोकेमॉन की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट जो पोकेमॉन एश पकड़ सकता है वो है इंटेलियन। पहले तो वो पकड़ेगा एक सॉबल को और से इवॉल्व करेगा डिजाइल में एंड डिजाइल को इवॉल्व करेगा इंटेलियन में। इंटेलियन एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है एंड एश के टीम को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा अगर एश पकड़ेगा। एंड इसकी जो बाई एक अटैक है जो कि स्नैपर शॉट, वो बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। एंड इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें कि ये एस पकड़ सकता है, तो यार आपको और मेरे को पता ही है एस ज़्यादातर रीजन में एक से ज़्यादा स्टार्टर पोकेमॉन पकड़ता ही है। एंड इसके चांसेस होने वाले 75% जहाँ तक मुझे लगता है। एंड ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, बस यार मेरे तरफ से एक थ्योरी मैंने बनाया है। तो जैसे कि हम बात करें फर्स्ट रीजन की जो कि था कैंटो रीजन, तो यार कैंटो रीजन में एश ने तीनों के तीनों स्टार्टर पकड़े थे। एंड जोटो रीजन की बात करें तो जोटो रीजन में भी उसने तीनों के तीनों स्टार्टर पकड़े थे। ऐसे यार हर रीजन में उसने ज़्यादा स्टार्टर पकड़े, बस कुछ रीजन को अगर हम छोड़ दे तो यार यही पॉसिबिलिटी थी इंटेलियन की। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट जो पोकेमॉन आता है वो है लुकारियो। लुकारियो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लीक्स निकल के आ रही है जिसकी एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एंड यार ये 99% कंफर्म हो चुका है क्योंकि यार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लीक्स आ रही है एंड यार काफ़ी यूट्यूबर ने इसके लीक्स को रिव्यू कर भी दिया है। सो गाइस पहले तो ऐसा पकड़ेगा रियोलू को एंड यार इसमें से कोई भी पकड़ सकता है, मतलब फुली इवॉल्व लुकारियो भी पकड़ सकता है एंड यार रियोलू भी पकड़ सकता है। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है बिकॉज यार अगर वो रियोलू को पकड़ेगा तो भी यार रियोलू इवॉल्व होता है फ्रेंडशिप से। तो यार ऐश और ऐश की कोई भी पोकेमॉन के साथ कितनी अच्छी फ्रेंडशिप होती है वो तो मेरे को और आपको पता ही है। तो यार वो 101% इवॉल्व करेगा लुकारियो में, तो यार कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला है एंड यार बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलने वाली है एंड यार टॉप 5 पोकेमॉन में भी आ जाएगा ऐश के। तो यार इतना ही था लुकारियो के बारे में एंड यार 100% भी कन्फर्म हो चुका है ये। सो गाइस अभी जो मैं पोकेमॉन की बात करने वाला हूँ उनकी थोड़ी मोड़ी पॉसिबिलिटी होने वाली है। सो गाइस जो फर्स्ट पोकेमॉन है जिसकी थोड़ी मोड़ी
पॉसिबिलिटी होने वाली है वो है इम्पीडिम। इम्पीडिम को ऐश पकड़ने वाला है एंड यार उसको इवॉल्व करेगा मॉर्ग्रम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन होने वाला है। एंड यार सेकंड स्टेज में ही रखेगा, थर्ड स्टेज में नहीं लेके जाएगा, और उसके चांसेस होने वाले 25%। तो यार नेक्स्ट पोकेमोन की बात करें जो कि ऐश पकड़ सकता है, बहुत ही कम चांसेस होने वाले हैं, वो है रोलीकोली। एंड यार रोलीकोली को वो इवॉल्व करेगा कारकोल में, और उसको भी थर्ड स्टेज में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड ऐश की टीम हो जाएगी अगर थर्ड स्टेज में लेके चला गया, क्योंकि यार ये दोनों पोकेमोन जो कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड है। एंड यार नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो है ऐश पकड़ेगा टॉक्सेल को, या फिर अंडा मिलेगा उसको और उसमें से निकलेगा टॉक्सेल और उसको इवॉल्व करेगा टॉक्सिसिटी में। अगर नाम गलत प्रोनाउंस करो तो यार उसके लिए सॉरी। तो यार टॉक्सिसिटी के दो फॉर्म्स होने वाले, तो यार कौन सा भी फॉर्म्स वो पकड़ सकता है। एंड यार जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होने वाली है वो है गिबल की, जो यार एस गिबल को वापस बुलाएगा। एंड यार गिबल को इवॉल्व करेगा गैबाइट में, एंड यार गैबाइट को इवॉल्व करेगा गार्चोम में। एंड यार अगर ऐसा हुआ तो यार पोकेमोन की फैन बेस बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। एंड यार पोकेमोन सन एंड मून की जो लॉस हुआ था उसको रिकवर कर लेगा पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना है। एंड यार अगर आप चाहते हो कि ऐसे ये सारे पोकेमोन पकड़ ले तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। सो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।